Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And before going ahead, आप आज स्क्रीन पर देख ही सकते हो students, today's topic what we are going to discuss is a very informational video आप बोल सकते हो. Yes, first of all, congratulations to all the 10th standard students who have got their results and those who have decided to take commerce. So welcome to commerce field children. But the basic details जो आप जानना चाहते हो कि 11th commerce लेने के बाद कौन से subjects होंगे, evaluation कैसा होगा, books कहाँ मिलेंगे, पूरा complete details आज हम इस video में discuss करने वाले हैं students. सबको एक एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि कॉमर्स में आखिर होता क्या है. ओके, आई एम टू से सब्जेक्ट्स. ओके, वी आर गोइंग टू टच द इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो देर किस बात की है स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो देखना बिकॉज यू शुड नॉट मिस अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द 11th कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड इवैल्यूएशंस. ठीक है, जो भी एडमिशन के लिए जा रहे हो या यू ऑल आर ऑब्वियसली हैव स्टार्टेड विथ रिसर्चिंग अबाउट द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, तो आपको ये एक रेडी रेकनर समझ लो, आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा. सो देर किस बात की है स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हमें जानना है कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं. यस नाउ स्टूडेंट्स, दिस आर द सब्जेक्ट्स फॉर 11th कॉमर्स. First subject which you have is bookkeeping and accountancy. Okay, this is the subject जहाँ पर पूरा accounting part cover होगा. Then you have OCM, Organization of Commerce and Management. This is the second subject you are having. Compulsory subject. Economics is also a compulsory subject, students. Then you have secretarial practice. / मैथमेटिक्स मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जूनियर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, मोस्ट ऑफ देम हैव ऑप्शन बिटवीन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, ये ऑप्शंस थोड़े कॉलेजेस में डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, बट ज़्यादातर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड मैथ्स का ऑप्शन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर / डाल के आपको बताया है. और मैंने यहाँ पे आपको 2 टेक्स्ट बुक भी दिखाए हैं. वैसे हो सारे टेक्स्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी. सो बुक कीपिंग, OCM एंड इकोनॉमिक्स, दिस आर दी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फॉर श्योर. ऑप्शन आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या मैथमेटिक्स में मिलेगा. दोज हु आर interested in taking secretarial practice, it's a theory subject. Okay, so it's scoreable subject. And those who want to take mathematics, they can also go for mathematics. ठीक है, option इसीलिए दिया होगा कि those who feel that mathematics a bit difficult for them, then they can go for secretarial practice, which is a theory subject. ठीक है, then English obviously. IT will be there, information technology. EVS होगा environmental studies. It is based on the project. I will tell you again later on about this. और PT physical training आपको पता ही है. तो ये सारे होते ही है students. Okay, इससे आप भाग नहीं सकते. तो those who are interested obviously in sports and all, they can take the advantage. और EVS का होगा आपको एक project. IT तो आप सबको पता ही है about computers, information technology. ठीक है, and English is one language subject you will be having. ठीक है, देन जैसे मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स दैट देयर मे बी अदर सब्जेक्ट्स इन अदर जूनियर कॉलेजेस. जैसे कॉर्पोरेशन भी एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है. ओके, IT के साथ आपको शायद बैंकिंग का भी ऑप्शन हो या कॉर्पोरेशन के साथ कोई और सब्जेक्ट का ऑप्शन हो. तो सम जूनियर कॉलेजेस मे हैव दिस ऑप्शन. अदर्स मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है बिकॉज देयर आर सम लैंग्वेजेस ऑल्सो विच अदर कॉलेजेस डू टेक. Okay, there are some students who ask me, मैम हिंदी होगा, मोस्टली इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है स्टूडेंट्स, बट रेयरली इफ़ देर आर एनी ऑप्शन इन सम हायर सेकेंडरी, आई मीन टू से जूनियर कॉलेजेस, तो आपको शायद डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकते हैं. जैसे संस्कृत हो सकता है, इफ़ बाई चांस दे हैव जर्मन हो सकता है. सो some junior colleges may have. ठीक है, nowadays people have started inculcating, I mean to say, taking the subject like banking also, जो IT के साथ आता है, तो आगे चल के बैंकिंग में वो कुछ कर पाए. तो ऑप्शंस थोड़े कॉलेजेस में होते हैं. सो इट्स ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन, बैंकिंग, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स ही है स्टूडेंट्स. तो इट विल गिव यू अ एज, स्पेशली बैंकिंग के बारे में मैं बताऊं आपको, तो अगर बैंकिंग का थोड़ा बेसिक्स मिल गया तो शायद आगे चल के ट्वेल्थ के बाद आप सोचोगे कि मैं बैंकिंग में एज अ करियर जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, है ना। सो दीज आर द सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर क्लियर। मैंने हर सब्जेक्ट का सारे टॉपिक्स इंडेक्स पेज के बारे में भी एक वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, पूरा डिटेल मैंने आपको दिया है, जहाँ पर कौन से टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स क्यों है, वहाँ पे क्या सिखाते हैं आपको 11th में, इन इकोनॉमिक्स, इन OCM, इन अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ स्टूडेंट्स, गो फॉर इट, यू विल गेट डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, और आप शायद बेटर पोजीशन में होंगे कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द पैटर्न ऑफ इवेल्युएशन स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका होगा एक थ्योरी पार्ट, दैट इज़ 80 मार्क्स, और ABT दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, वो इंटरनल इवेल्युएशन होता है। तो टोटल हर सब्जेक्ट का होगा 100 मार्क्स। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थियोरी 80 मार्क्स का पेपर होता है, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट 20 मार्क्स का होता है, ये फाइनल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये हर सब्जेक्ट के लिए है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंडक्ट कैसे किया जाता है। पहले तो सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो 25 मार्क्स का होता है, फिर टर्म होगा, फर्स्ट टर्म दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स स्टूडेंट्स, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है वो 25 मार्क्स का होता है, फिनाले दैट इज़ द फाइनल एग्ज़ाम जिसको आप सेकेंड टर्म बोल सकते हो, वो 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो फिर हम आपका इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिसको हम ABT, अभी मैंने आपको कहा एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है, 20 मार्क्स का रिटर्न फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स। पहले प्रोजेक्ट बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अब आपको उसका भी एक डेमो वाला फॉर्मेट है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फ्यू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है 20 मार्क्स में इंटरनल, तो उसके बेसिस पर आपका इवेल्युएशन होता है। तो आप जब देख सकते हो ये 25, 50, 25, 80 और 20 सब मिला के 200 मार्क्स टोटल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और उसके एवरेज 100 पर आपको हर सब्जेक्ट में मार्क्स मिलता है। सो यू कैन सी हाउ स्कोरिंग इट इज़, यू कैन स्टडी स्टेप बाय स्टेप एंड स्कोर मोर मार्क्स एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम रिलेटेड, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होता है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM, इंग्लिश, SP, मैथ्स, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा होगा मार्क्स, आई एम टू से सॉरी नॉट मार्क्स, AVS होगा आपके लिए दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है स्टूडेंट्स। जर्नल आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर आपको लिखना होता है, एंड दे विल टेक वाइवा ऑल्सो, पॉसिबली वट एवर इज़ द प्रोसीजर दे विल टेल यू। और फिर होता है आपका फिजिकल ट्रेनिंग एग्जाम, वो ग्रेड वाइज होता है स्टूडेंट्स। लास्ट में आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है छोटा सा, जो PT टीचर कंडक्ट करता है, एंड दे ही विल गिव यू अ ग्रेड एज पर योर परफॉर्मेंस। थोड़े छोटे छोटे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आपके साथ कंडक्ट होता है, एंड देन दे गिव यू द ग्रेड्स। सो दिस इज़ अ टोटल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, आपका इवेल्युएशन पैटर्न, एग्जाम्स और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, ठीक है। देन कम्स अबाउट द टेक्स्ट बुक्स स्टूडेंट्स। आई वुड लाइक टू टेल यू, सारे टेक्स्ट बुक जो है वो आपको ही बाल भारती वेबसाइट पर मिल जाएंगे। काइंडली लॉग इन टू www.ebalbharti.com एंड डाउनलोड ऑल द कॉमर्स टेक्स्ट बुक्स। सारे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, बट आई अज्यूम दैट काइंडली बाय अ टेक्स्ट बुक, बिकॉज कंटिन्यूसली अगर आप लैपटॉप या मोबाइल में टेक्स्ट बुक देखोगे तो इट विल रियली अफेक्ट योर आईज, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर, या फॉर रेयर रीजन्स यू कैन डाउनलोड एंड कीप अ सॉफ्ट कॉपी, लेकिन काइंडली बाय अ टेक्स्ट बुक। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आई थिंक यू गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इफ़ यू गो टू कॉमर्स, कौन से सब्जेक्ट्स है, एवेल्यूशन पैटर्न क्या है, और बुक्स कौन से हैं, ठीक है। सो आई होप दिस विल रियली हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन that if you go to commerce then you are ready with all the information. ठीक है, as I told you earlier, इसका जो detailed understanding है सारे subjects का मैंने एक वीडियो में already बताया हुआ है and I will put it in the description box. Kindly watch that video as well. ठीक है, now due to pandemic for sure, evaluation patterns में थोड़े बहुत changes हो सकते हैं students. Touch wood, if everything goes well, we fall in right place on regular classes शुरू हो जाते हैं तो definitely all these things will be followed. और अगर I hope so, this should not happen, but I think everything will fall in place. So this is it students. I wish you all the very best, all my commerce students. Welcome to Commerce Tute channel as well, where you will get all the explanations and of all the subjects, topics, exercises solved. ठीक है, so once again all the best and kindly share this video to each and every one those who is aspiring to become or to come in the commerce field students. क्योंकि जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा, जब हमको अंडरस्टैंडिंग होगा कॉमर्स के बारे में, तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ इट चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.